केपीडी न्यूज़, हक सच और इंसाफ की आवाज। केपीडी न्यूज़, हक सच और इंसाफ की आवाज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के पंजाब प्रधान किशनलाल शर्मा के साथ महर्षि दयानंद बाल आश्रम की लड़की कुलदीप कौर ने कनाडा के NRI विशाल सहदेव वासी 50 ग्रीन पार्क के खिलाफ अनाथ आश्रम की लड़की से तीसरी शादी करवा विदेश भागने की शिकायत व सास बिमला सहदेव, ससुर दविंदर सहदेव, नंद पूनम वर्मा, नंदोई धर्मवीर वर्मा के खिलाफ तंग परेशान, अश्लील हरकतें, अश्लील शब्दावली व हाथ चलाकी करने की शिकायत DCP गुरमीत सिंह को दर्ज करवाई, जिन्होंने SHO 6 को कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। पीड़ित कुलदीप कौर ने बताया कि उसके पति की तीसरी शादी थी, जिसका पता उसको बाद में पता चला। शादी के 2 महीने बाद उसका पति विदेश चला गया। पीड़ित ने DCP को बताया कि उसकी शादी 10 नवंबर 2016 को हुई थी, जिसके 2 महीने बाद उसके पति के विदेश जाने के बाद उसके सास ससुर ने तंग परेशान करना शुरू कर दिया था। जब उसने अपनी नंद डॉ पूनम वर्मा व नंदोई डॉ धर्मवीर वर्मा वासी खन्ना को इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने जलंधर उसके घर आकर सभी लोगों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए, आपत्तिजनक हरकतें करते हुए, गलत शब्दावली का प्रयोग करते हुए कहा कि हम शादी अच्छा पुर्जा देख सिर्फ ऐश परस्ती के लिए करवाते हैं। पीड़ित ने बताया कि उसके सास ससुर अपनी बेटी के साथ मिल उसको कमरे से बाहर निकाल लॉबी में रहने को मजबूर कर दिया है और उसके कमरे में कैमरा लगवा उसकी निजी जिंदगी की रिकॉर्डिंग कर देखते हैं। पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाई कि मैं बचपन से अनाथ आश्रम में पढ़ी लिखी पली हूँ, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति ने होने की वजह से इस तरह के NRI गरीब मजबूर लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ कर उनकी इज्जत को रौंदते हैं, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर किशनलाल शर्मा ने कहा, पंजाब की लड़कियों के साथ अन्याय करने वाले लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, इसलिए नरेंद्र मोदी सुषमा स्वराज भारत की लड़कियों का शोषण करने वालों पर नकेल कसे। इस अवसर शहीद भगत सिंह क्लब के प्रधान जसवीर बग्गा, लडोवाली रोड मार्केट के प्रधान गुरजीत सिंह, राजविंदर सिंह बुगा, तेजपाल सिंह तेजा, बलजीत कौर, विनय भाटिया आदि लोग हाजिर थे। जलंधर रवि गिल और साहिल मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। हाँ जी, मेरा नाम कुलदीप कौर, वाइफ ऑफ विशाल सहदेव, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरा विआह पंजाब ग्रीन पार्क मोहता सिंह नगर के रहन वाले विशाल सहदेव पुत्र दविंदर सहदेव नाल मिती 10 नवंबर 2016 में होया। इन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। मेरा हसबैंड नाल सास सहुरा सारे घरों कट्टन भी कर दिया। मैं मेरे भाजी किशन लाल सर जी के लिंक चाहिए और मैं नरेंद्र मोदी जी ने भी बेनती करना चाहनी हाँ कि सर DGP पंजाब नू भी कि मैनू इंसाफ दवाया जाए और NRI के वादे अत्याचार नू कुड़िया तो रोकया जाए। मैं किशन लाल शर्मा, प्रधान पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच पंजाब प्रांत। मैनू 2-3 दिन पहला ये मेरी भैन कुलदीप कौर, जिदा कि विआह 1.5 साल पहला जलंधर विखे होया, इसका पति जिहड़ा कि दविंदर सहदेव, जिहदी कि तीसरी शादी है, विशाल सहदेव जिहदी कि तीसरी शादी है, तो जदों मैनू भैन दीआं गल्लां 3 दिन पहला ये मैनू मिली है भैन, जदों दसियां कि रोंगटे खड़े हुंदे आ। इदां दे अत्याचारी लोग जिन्हां नूं रब भुल गया होया है और एक अनाथ आश्रम तो जिहदे माँ बाप नहीं इन्हां जीवन च देखे अपने और जिहदा कोई सहारा नहीं है, और जदों इहदियां गल्लां सुनियां मिलियां कि एडां दे बेशर्म लोग जिहदी कि तीसरी शादी है, ये मेरी भैण मैनूं दसदी है कि मेरा सहुरा मैनूं ये कहिंदा है कि असीं जिहड़ा टोटा है वह 6 महीने रखीदा है, वो भैणा बारे अपनी धी वर्गी तेरी धी है। मैं जलंधर के कमिश्नर साहब नूं कहना चाहुंदा कि इहदे सस सहुरे ते और मुंडे ते ननान ते नंदोईए ते इह तुरंत FIR दर्ज की जाए और इहदी जिहड़ी घर की रहन सहन की व्यवस्था है वो की जाए। तां और मैं कहना चाहुंदा कि FIR दर्ज करके एक संदेश दिता जाए, ये जिहड़े लड़के है ये लड़कियां नूं बरगला के ये जिहड़े ब्याह करवाउंदे ने उन्हां उत्ते नक पाई जाए। मैं इस बाबत
अज एक चिट्ठी इन्होंने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है, भैन सुषमा स्वराज जी ने लिखी है, ताकि उन्हें बाहरों बुलाया जाए और ताकि जिहड़े NRI है लोग इस तरह के अत्याचार करते हैं बंद होन। मेरी कमिश्नर साहब ने भी गल हुई है, DCP साहब ने ये दरखास्त जी है थाना नंबर 6 नू मार्क हुई है। सानू आस है कि थाना नंबर 6 च इस लड़की नू इंसाफ मिलेगा और मेरी एक बार फिर मंग है कि इस लड़की नू इंसाफ दिता जाए और नहीं तो ये शहर दिया सारिया संस्थावां कट्ठियां होकर इदां दे लोगों का जलूस कढ़ांगे कि जिहड़े कि भैणां दे उत्ते अत्याचार करते हैं। ये मेरी भैन है कुलदीप कौर, इहदे नाल मैं हर वेले खड़ा हाँ और जिथे अन्याय होगा असीं इहदे नाल खड़े हाँ। और साडे नाल जसवीर बग्गा जी, इन्हां दे हसबैंड कित्थे गए पए, इन्हां दे कनेडा ने इन्हां दे हसबैंड, और वह चौथी शादी रचाण की भी गल करते हैं। और मेरी प्रार्थना है कि ऐसे लोगों के उत्ते एक सख्त कानून बनना चाहिए है ता कि इन भैणों के नाल अत्याचार ना हो। साढ़े नाल जसवीर बग्गा जी भी आए हैं और असी जल्द ही अगर इंसाफ ना मिलिया एक रोश मार्च कढ़ांगे इस भैन नूं नाल लैके, एक जागरूक करांगे बाकी समाज नूं भी इस भैणों नाल अत्याचार ना हो। और साड़ी SHO तो मंग है कि तुरंत तो तुरंत उन्होंने कार्रवाई होए और इस परिवार के परिवार के जिथे रह रही है और इन्हें इंसाफ मिले। देश विदेश और अपने शहर की लोकल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आपका मनपसंद न्यूज़ चैनल KPD News, हक सच और इंसाफ की आवाज़ आपको रखे सबसे आगे।